لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق सलातो व सलाम व तहियत व इकराम अला सैयद असलम माफिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल मौजूद नुक्तते दायरतिल वजूद साहिबे लवाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल खातम लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअल्लिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मोहम्मद वस्सलाम वाला यासुबिद्दीन वल ईमान बाबिलम वल अमान कलिमत रहमान कासिर लसनाम वल औसान असाबिक बिल एहसान व शाहिद बिल ईमान मिसदाके मरजल बहरैन यल तकियान अल इमाम अल मुज़फ़्फ़र व शजाई अल गज़म्फ़र व कासिम तूबा व सखर अबी शुबैरिम व शब्बर व हामिल अल बाबिल खैबर व साक़ी हौज़न अल कौसर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर व लालि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाह अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुभानहु व तआला फिल किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाहि मिन दूनिन्नास फ़तमन्नौल मौता इन कुंतुम सादिकीन सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद मिलके सलावात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद एक और सलावात भेज दीजिए मोहम्मद वाले अरबाब दानिश वाले इल्म हजरात आज एक सरकारे सैयदुश्शोहदा की अज़ादार की बरसी के सिलसिले की ये मजलिस उनके खानवादे ने मुनक़िद की है। अमूमन हमारे खुतबा उलमा ज़ाकरीन वाइज़ीन इस मजलिस में फ़लसफ़ा मौत व हयात ज़िंदगी बादल मौत कुछ इसी तरह के मौजूआत पर बहस करते हैं। आज की हमने जिस मजलिस का मौजू इंतखाब किया है वो है शहादत और हलाकत। इस मुख्तसर से वक्त में ये तलाश करेंगे कुरान मजीद की आयात की रोशनी में कि वो कौन बदनसीब है जो मरता नहीं है बल्कि हलाक हो जाता है, और वो कौन खुशनसीब है जो मरता नहीं है बल्कि शहीद हो जाता है। जिंदगी की बेहतरीन मौत का नाम शहादत है और बदतरीन मौत का नाम हलाकत है। हलाकत और शहादत का फलसफा यह है कि अपने से कम शय के लिए मर जाना
मैं तवज्जो चाह रहा हूं, बस आप अपने को पहचान लो, अपने को किसी पैरामीटर में फिट करके ये देख लो कि आपका अपना मेयार क्या है, कीमत क्या है, वजन क्या है। उससे कम के लिए मर जाना हलाकत है, और अपनी कीमत से ज्यादा के लिए मर जाना शहादत है। यही वजह है कि खालिक ने बंदे को मखलूक का अशरफ बनाया, तो जब सबसे अशरफ है तो कोई शय भी, दुनिया भी इससे बेहतर नहीं है। दौलत, हुकूमत, इख्तदार, इख्तियार, बाग, बागात, ये सारी चीजें बंदे से कम है। इमाम मासूम, अकीदा, कुरान, काबा, ये हमसे अफजल है। तो अब एक बात कहना चाहता हूं, जमीन के लिए मर जाना हलाकत है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, प्रॉपर्टी के लिए जान देना हलाकत है, दौलत के लिए जिंदगी लुटा देना हलाकत है, लेकिन इमाम के लिए जान देना शहादत है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए मैंने कुरान मजीद की उस आयत को तिलावत किया जिसमें जाते लम यजल वला यजाल ने उस मकाम को याद दिलाया कि जब यहूदिया आकर ऐलान करते थे मक्के के बाजारों में कि अगर आमना का लाल अबू तालिब का भतीजा अहमद और मोहम्मद ये अगर डूबते हुए सूरज के मुकद्दर को पलटने का हुनर जानता है, फरान की चोटी पे चढ़कर चांद के कलेजे को चाक करने का हुनर जानता है, राह में पड़े हुए संग्रेजों को उठाकर कलमे तौहीद पढ़वाने का सलीका जानता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। यहूदी कहते हैं ये तो हम भी कर लेते हैं, और हम तो उससे भी बड़े मनसब पे फायज हैं, हम अल्लाह के वली हैं। यहूदी ये कह रहे हैं कि हम हैं अल्लाह के वली। अब एक जुमला अल्लाह जाने मैं अब तक पहुंचा पाऊंगा या नहीं, यानी यहूदियों के पास विलायत नहीं थी मगर कह रहे थे हमारे पास है। इसका मतलब है विलायत इतना अजीम मनसब है कि ना हो जिसके पास वो भी ये चाहता है कि ये हमारे पास हो, और जो बदनसीब कलमा गो होकर जिनके पास कुरान में विलायत है और फिर भी विलायत का इनकार करें। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, यानी विलायत होने के बाद भी इनकार विलायत करते हैं, यही तो हलाकत है। ये ऐलान करते हैं ना यहूदी कि हम अल्लाह के वली हैं, तो इनसे कहो कि दलील पेश करो, सबूत दो कि तुम अल्लाह के वली कैसे हो। और अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो कुरान कह रहा है हम फिर सबूत पेश करते हैं, इनसे दलील मांगो कि अगर तुम अल्लाह के वली हो तो फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावों में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके देखो। इसका मतलब यह है कि मौत से जो फरार इख्तियार करे वो अल्लाह का वली नहीं है, और मौत का जो इंतजार करे वो अल्लाह का वली है। जुमला सुनिएगा, गले में पड़ी हुई मौत को गले लगाना ये और बात है, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हिमरेज हो गया, कोविड हो गया, अस्पताल में गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और जाकर वेंटिलेटर पर इंतकाल हो गया, पुरसा देने वाले सीने से लगा लगा कर अफसोस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते ना, तो मौत आई, गले पड़ी हुई थी, गले लगा लिया,
यह और बात है, जुमला सुनना, गले में पड़ी हुई मौत को गले लगाना और बात है। 19 रमजान को मस्जिद कूफा में सोती हुई मौत को ठोकर मारना ये अली का काम है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अगर जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत होना चाहिए, और अगर जिंदा के अंदर मौत की, मुर्दे की क्वालिटी हो तो सांसों के सिलसिले को न दो। जिंदगी का नाम जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए। सांसों के सिलसिले को न दो। जिंदगी का नाम जीने के बावजूद भी कुछ लोग मर गए, इसलिए कि कुछ वो है जो जिंदा रहकर भी मुर्दा है, और कुछ लोग वो है जो मरकर भी नहीं मरते। ना इतनी खामोशी से थोड़ी पढ़ के गुजर जाऊंगा जैसे आप समझ रहे हैं, मैं फिर जुमले को रिपीट कर रहा हूं। कुछ लोग वो है जो जिंदा रह के भी मुर्दा है, और कुछ लोग वो है जो मरकर भी नहीं मरते। या अल्लाह, वो कौन है जो जिंदा है मगर मुर्दा है, का जिनमें मुर्दों वाली सिफत हो। सांसों के आमद और शुद्ध को जिंदगी नहीं कहते, जिसके अंदर सिफत हो मुर्दों वाली। मुर्दा कौन होता है? लेटा हुआ है, मर गए। मुर्दा लेटा हुआ है, कोई एक्शन नहीं करता। उससे कहो उठ जाओ, नमाज सुबह का वक्त है, नमाज पढ़ लो। कहा नहीं, मेरी तो नमाज पढ़ी जाएगी, अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। इसका मतलब है कि वक्त नमाज होने के बावजूद जो नमाज अदा ना करे, समझ लो देखने में जिंदा है, असल में मुर्दा है। वो इंसान जो मुर्दा पड़ा है, मैं एक मैसेज दे रहा हूं आपको, लेटा हुआ है, और लोग कह रहे हैं माशाल्लाह बड़े अमीर आदमी थे, ये इतना बैंक बैलेंस छोड़ा, इतनी दुकानें, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी दौलत, क्या कहने। मैं कह जरा उठा के कहो कि भाई की मदद कर दे, क्योंकि ऑपरेशन होने वाला है हॉस्पिटल में। कल लेटे हुए हैं, अब कहां से मदद करें? पड़ोसी का बच्चा बिना फीस के घर में रो रहा है, इसकी कुछ हेल्प कर दे। क्या कैसे हेल्प करें, ये तो मुर्दा है। कि मैंने तो पैगाम पहुंचा दिया, इसका मतलब है जो मुर्दा होता है वो किसी की हेल्प नहीं करता। मैंने जुमला पहुंचाया है इधर सरकार, जो मुर्दा होता है वो किसी की मदद नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास दौलत है और दौलत होने के बाद भी जरूरतमंदों की मदद नहीं करता, तो समझ लो देखने में जिंदा है, असल में मुर्दा है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जिंदा है मगर मुर्दा है। आप अगर हेल्प नहीं कर रहे तो चलती फिरती लाश है जो बाजार में घूम रही है, मगर अगर मदद कर रहे हो। और एक बड़ी प्यारी बात मेरे जहन में आ रही है, मुर्दे की सिफत एक सरकार यह है कि अब तो टेलीस्कोप पता नहीं कितने कितने इंस्ट्रूमेंट हैं जो डॉक्टर लगा के एक लम्हे में बता देते हैं कि ये मुर्दा है या जिंदा है। लेकिन पहले हकीम लोग सांस चल रहा है पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है, हकीम जी को बुलाओ। हकीम जी कुछ नहीं देखते थे, हाथ पकड़ते थे और इस तरह दबाते थे और कहते थे इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैसे पता लगा लिया?
तो हकीम कहते थे इनके हाथ की अकड़न से जहां अकड़ हो भाई। मैं तवज्जो चाह रहा हूं जहां अकड़ हो समझ लो मुर्दा है, जहां नरमी है समझ लो जिंदगी है। अब अगर कोई दौलत आने के बाद, लंबी गाड़ी आने के बाद, चार बेटे होने के बाद, एक बड़ा बंगला बनाने के बाद सड़क पे अकड़ के चल रहा है, समझ लो जिंदा नहीं है, एक मुर्दा है जो अपना मौत का ऐलान कर रहा है। जहां नरमी है वहां जिंदगी, जहां पे सखावत है वहां जिंदगी। कुछ लोग मर के भी नहीं मरते, कुछ लोग जिंदा रहकर भी मुर्दा हैं। अब आपके जहन के लिए, मैं आपके मिजाज को जानता हूं ना, आप क्या सुनना चाहते हैं। फिर खिताबत करने से फायदा ही क्या जब आपको ना समझें। कुछ लोग मर के भी नहीं मरते, मेरी बेस तकरीर का यह है, कुछ लोग जिंदा रहकर भी मुर्दा है। आओ कुरान से पूछें कि कौन लोग हैं जो मर के भी नहीं मरते और कौन लोग हैं जो जिंदा रहकर भी मुर्दा हैं। इस्लाम की बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस्लाम की पहली जंग जंगे बद्र और दूसरी जंग जंगे उहद, नबी ने अपने साहबियों से कहा, हे मेरे कलमा गो साहबियों, ये दो पहाड़ की चोटियां हैं और इन्हें छोड़ के मत जाना। कोई कहे मैं कहूं, कोई कहे क्या कहने, और अगर ये छोड़ के चले गए तो तुम जीती हुई जंग हार जाओगे। मगर पता नहीं कुछ लोगों के जहनों में क्या था, जहां नबी बिठाते थे वहां तो बैठना नहीं चाहते थे, और जहां बिठाना नहीं जाते थे। लोग क्योंकि अशरा नहीं बल्कि एक मजलिस, अशरा नहीं बल्कि एक मजलिस पढ़ने आया हूं, तो चंद जुमलों में पूरा अशरा दे दूं। ये वही लोग थे, इन्हें नबी ने बुलाया तो आए नहीं, उठाया तो गए नहीं, जगाया तो सोए, सुलाया तो जागे, बुलाया तो भागे। ये वही लोग थे। मत छोड़ के जाना, हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम इस टीले को मत छोड़ के जाना। मगर छोड़ा, ऊपर से नीचे उतरे, नीचे उतर के मैदान छोड़कर जब जाने लगे, नबी ने कहा अभी तो लातो मनातो हबल के पुजारियों को मैंने वेदहुला शरीक की बरगाह में सजदा करने का सलीका सिखाया था, अभी तो दर दर भीख मांगने वालों को सखावत का दर्स दिया था, अभी तो औरत को, अभी तो बेटियों को जिंदा दफनाने वाले को बेटी की ताजीम करने का सलीका बताया था, अभी तो बुतों से मांगने वाले को हमने दुआ मांगने का सलीका बताया था। मगर ये सत्तू के चोर, हमने इनसे कहा मत जाओ, मगर ये भी छोड़ के चले गए। नबी के दिल को चोट लगी, जख्मी दिल को ढारस देने के लिए ज़ाते लम यज़लुल्ला यज़ाल ने कल्ब मोहम्मद पर कुरान की आयत की तंजील की। मेरे नबी, तुम्हें ये छोड़ के जा रहे हैं ना, तो हम बताते हैं, तुम्हारी आवाज सुन के भी नहीं पलट रहे, क्यों नहीं पलट रहे बताएं। तो सूरत इंफाल में इरशाद हुआ, इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस्सुम्मुद्दुआ इज़ा वलौ मुदबिरीन। जो ये पुश दिखा के तुम्हें भाग रहे हैं
और तुम्हारी आवाज को सुन के भी नहीं पलट रहे। इसकी वजह यह है कि इन्नका तुस्मिउल मौता, मुर्दे कभी सुना नहीं करते। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। मुर्दे मुर्दे कभी सुना नहीं करते। क्या सुन लिया आपने? मैंने तो फैसला ही कर दिया मजलिसी खत्म यहां पर। मुर्दे कभी सुना नहीं करते, आयत है रिवायत नहीं। दुनिया के खालिक ने कायनात के सबसे सच्चे पैगंबर के कल्ब पर सबसे सच्चे मलक को भेजकर सबसे सच्ची किताब में ये नकल कर दिया, मुर्दे कभी नहीं सुनते। मैं या अल्लाह मैं नहीं बता पा रहा। मेरे मौला जिंदगी और मौत का तो फलसफा इसी आयत में है, इन नकल तुस्मुल मौता, मुर्दे कभी सुनते नहीं। यानी जो मुर्दा होता है ना वो कभी नहीं सुनता। अब पता चला हम अपने मरने वाले को कब्र के सीने में लिटाकर शाना हिला के क्यों कहते हैं इस्माइल फाम सुन, ताकि पता चले तुम मुर्दा नहीं है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। मुर्दे मुर्दे कभी सुना नहीं करते। जो मुर्दा होता है वो कभी नहीं सुनता। ये नबी को नबी है यहां, ये छोड़ के जा रहे हैं वहां। जरा ज़हन में देखना, जरा ज़हन में देख रखिएगा, नबी को छोड़कर ये जा रहे हैं। कुरान कह रहा है कि नहीं जा रहे, बल्कि जो तुम्हारी आवाज को सुन के नहीं पलट रहे वो मुर्दा है। ये तो मुर्दा है, आपकी समझ में आई ये बात? अच्छा मैं एक आयत और सूरह इन्फाल की पढ़ता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दाअकुम लिमा युहीकुम। ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम्हें तुम्हारा रसूल पुकारे तो तुम फौरन उसकी आवाज पर लब्बैक कहो। क्यों कहो? लिमा युहीकुम, ताकि तुमको हयात अता करे। कितनी खामोशी से सुना है आपने। मैं नीचे से मोती निकाल के आपके देना चाहता हूं, और थके हुए जहनों को मेरा खिताब भी नहीं होता। ये जिक्र को ताजगी अता करता है, सुस्ती नहीं। मेरे मोहम्मद ये जो छोड़ के जा रहे हैं ये मुर्दा है, और ए मेरे मोहम्मद ये छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारी आवाज पे जो ईमान वाले हैं वो लब्बैक कहेंगे, ताकि तुम इनको हयात दो। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद के पास है हयात, और ये जान बचा के जा रहे हैं हयात को बचाने के लिए मोहम्मद को छोड़कर। अल्लाह ने कहा जहां हयात है उसे छोड़ रहे हो, जहां हलाकत है वहां जा रहे हो। और याद रखो, जा रहे हो तो तुम मुर्दा हो। मगर मेरी समझ में सरकार ये बात ही नहीं आई। सरकार बैठे हैं क़िबला के सामने, लबों को जुम्बिश देना भी जसारा समझता हूं, मेरी समझ में बात ये यूं नहीं आई हुजूर के हम अभी तक जिस डॉक्टर से, जिस मेडिकल लाइन के स्कॉलर से पूछते हैं कि मौत किसे कहते हैं, तो कहते हैं सांसों के सिलसिले के रुक जाने को मौत कहते हैं, दिल की धड़कन का सिलसिला खत्म हो जाए उसे मौत कहते हैं, हवा से खमसा का फुकदान हो जाए मौत कहते हैं,
आंख देखना, जबान बोलना, नाक सुनना, कान सुनना, नाक सूंघना, हाथ छूना, पैर चलना, दिल धड़कना, जहन सोचना बंद कर दे, उसे मौत कहते हैं। पैर चलना बंद कर दे उसे मौत कहते हैं, दिल धड़कना बंद कर दे उसे मौत कहते हैं। मगर ये तो होत के मैदान में, मैं तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं, ओहद के मैदान में ये मैदान भी छोड़ रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, हाँप भी रहे हैं, कांप भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, मगर कुरान कह रहा है मुर्दा, ताकि बता दें कि डॉक्टरों की निगाह में मौत और है, कुरान की निगाह में मौत और है। डॉक्टर दिलों की धड़कनों के सिलसिले के टूटने का नाम मौत कहते हैं, कुरान मोहम्मद का साथ छूटने को। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, उसे मौत कहते हैं। बड़ा ब्रीफ में तीन चीजें हैं, मरता कौन है आज, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, अब इनके सामने थोड़ा सा हिंदी जबान में मौत का फलसफा बयान करना चाहता हूं। मौत आती किसे है, तीन चीजें हैं, एक है जिस्म बॉडी शरीर, एक है सोल आत्मा रूह, मगर एक तीसरी चीज है उसे कहते हैं नफ्स। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, कभी फिर आऊंगा तो इस नफ्स की डिटेल बहुत लंबी है, लेकिन आज मेरा टॉपिक, मेरा मौजू दूसरा है, नफ्स जिस्म रूह। जिस्म का ऐसे बना है, इन्नी खालिकुन बशरम मिनत्तीन, मैं बशर को मट्टी से बनाने वाला हूं। तो हमारे दादा आदम भी मट्टी से बने, हम भी मट्टी से। ये शरीर, ये जिस्म, ये बॉडी, ये बनी है मट्टी से। तो जो सरकार, रूह क्या है, आओ कुरान से पूछते हैं कि रूह क्या है, तो वो यस अलूना का अनिर रूह, कुल रूह हो मिन अम्र रब्बी। ए मेरे मोहम्मद, जो ये लोग आके पूछते हैं तुमसे कि रूह क्या है, तो इनसे कह दो कि रूह मेरे रब का अम्र है, अम्र है। तो देखें, एक जिस्म बना मट्टी से, रूह अम्र, मगर ये नफ्स क्या है। कभी कभी कहते हैं ना, ये मोटरसाइकिल बच्चा मांग रहा है, अम्मा बचपन में हम साइकिल भी नहीं मिली थी, हमारा नफ्स बड़ा मरा हुआ था। मेरे अचानक मच्छर ने काट लिया, तो मेरे काटा ये जो मेरा है ना, यही नफ्स है। जब मैं और ब्रीफ में करूं, नफ्स रूह आत्मा और शरीर को मिलाने वाला ब्रिज है, पुल है, जो आत्मा को शरीर से मिलाए उसे कहते हैं नफ्स। इसीलिए ये नफ्स अम्मारा है, नफ्स लम्मामा है। एक नफ्स वो है जो हमें नेकियों की तरफ ले जाता है, एक नफ्स वो है जो बुराइयों से रोकता है। मैं यहां पे हो सकता है लखनऊ, बरेली, गाजीपुर, हिंदुस्तान के किसी शहर में गुनाह ना करूं, क्योंकि कहीं आप ना देख लें और आप देख के कहीं ऐलान ना कर दें। और ये वही जावेद आबदी है जो फलां सिनेमा के सामने खड़े हुए पकौड़ी खा रहे थे। इसका मतलब है समाज के डर से। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, समाज के डर से भी हम नेक बने हुए हैं, इसीलिए कुछ कहते हैं, कुछ लोग शरीफ वो हैं
जो जिन्हें गुनाह का मौका ही नहीं मिला। ऐसे शरीफ भी दुनिया में हैं जिन्हें गुनाह का मौका ही नहीं मिला। जब अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ तो फिर अवसर प्यार प्राप्त कैसे करते। इसलिए गुनाह नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहां नहीं, चाइना के किसी शहर में भी नहीं, गांव में किसी बेहतरीन होटल में रुकूं और दाएं बाएं खिड़कियां खोलकर रास्ते में देखूं, यहां तो कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन अपनी जबान में वाला नहीं, सब चाइनीज है। 5 स्टार के कमरे को मैंने बंद किया, जिंदगी में कभी शराब का तसव्वुर भी नहीं किया। देखा कि वहां पर फ्रिज रखा हुआ है और दुनिया की बेहतरीन लीकर वहां पर रखे। अब यहां पर नफ्स जो अम्मारा है, गुनाह करने वाला नफ्स, वो कह रहा है कि आज तक तो तूने कभी नहीं पी, और तू पी लेता तो तुझे दुनिया लानत भेजती। आज तो पी ले, आज तो जी ले, पी ले। खिड़की से पर्दे को हटा के देखा, कोई नहीं है। जाके फ्रिज के डोर को खोला, नफ्स करा उठा ले, खोल दे, मुंह से लगा ले। उस वक्त एक दूसरी आवाज नफ्स से आई, खबरदार हाथ मत लगा देना, तूने फला मजलिस में फला खतीब को अली का कौल पढ़ते हुए नहीं देखा कि खबरदार तन्हाई में गुनाह मत करना, इसलिए जो देख रहा है वही मुंसिफ है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। देखा कि मजलिसों का क्या सवाब होता है, जो देख रहा है उसी की अदालत में फैसला होगा। और तू वो भी देख रहा है, तेरे कांधे पे बैठे हुए फरिश्ते भी देख रहे हैं। और यौम तशहदु अलैहिम अलसनतकुम वअयदीकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, और रोजे महशर तो तेरे ये हाथ, तेरे ये पैर, तेरी ये जबान तेरे खिलाफ गवाही देगी। हाथ भी है, पैर भी है, जबान भी है, ये तो मेरा मुखालिफ है, गवाह है, भगवान देख रहा है। खोले हुए फ्रिज के डोर को बंद कर दिया, ये मेरा नफ्स लवामा था जिसने गुनाह करने से बचा लिया। एक ही वक्त में दो ताकतें आपस में लड़ती रहती हैं, एक नफ्स अवारा, एक नफ्स लवामा। जब गुनाह वाली ताकत काबिज हो जाती है तो गुनाह कर लेता है, और जब नफ्स लवामा काबिज हो जाता है तो खुले हुए डोर को बंद कर देता है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, ये बड़ी बहस है सरकार, आप उलमा से ही सीखते हैं कि अगर मासूम को 14 मासूमीन को सिर्फ ऐसा बना के भेजा कि वो गुनाह कर ही नहीं सकते तो फिर उनमें क्या कमाल हुआ। वो तो फरिश्तों की ताकत है जो गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन मेरे मासूमीन के 14 के 14 मासूमीन का एजाज ये था कि नफ्स में नफ्स से अम्मारा की सिफत तो थी, मगर जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी गुनाह करना तो किया, गुनाह सोचा भी नहीं, इसलिए वो मासूम अलिन खता है। मिलके सलावात भेज दे मोहम्मद वाले। ये तो ये नफ्स मरता, बात ये हो रही है कि नफ्स मरता कौन है। 3 चीजें हुई जिंदा जीवित रखने के लिए, एक जिस्म, एक रूह, एक जिस्म, एक रूह, एक नफ्स। तो मरा कौन, अब ये भी सरकार एक बहस है। हुजूर कुछ कहते हैं नफ्स मरा,
अच्छा नफ्स के मरने के लिए भी कोई आयत नहीं है? क्या नहीं, हम तो हर मजलिस में सुनते हैं कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत। हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये कहां लिखा है कि मर गया? अच्छा मर गया तो फिर ये बताओ कि जब गुस्ल दिया जाता है, आज जरा से अलग बहस कर रहा हूं, गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल के लिए ये किस लिए रिवायतें हैं कि बहुत आराम से लेके चलो, शाने बदल बदल के चलो, उसे तकलीफ ना हो। इसका मतलब है कि एहसास है, और इसका मतलब यह हुआ कि जब लाशा जनाजा लेके कब्रिस्तान या चिता तक जाते हैं तो वो देखता है कि कौन कौन मेरे साथ चल रहा है, और जब कब्र में लिटा दिया जाता है तो उसे पता है कि मुझे लिटा दिया, नफ्स बाहर है, ये कब्र के अंदर है। अब जरा सा बड़े बारीक रास्ते से गुजर रहा हूं, ये नफ्स बाहर मरा क्या, उसने तो जायका चखा। तो तीन चीजें मैंने बताई थी, एक रूह, रूह है अल्लाह का अमर अल्लाह की, शरीर मट्टी का, नफ्स कनेक्शन पुल ब्रिज जो मिलाता है। इधर नफ्स ने जायका चखा, इधर ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, आत्मा परमात्मा पे चली गई, शरीर मट्टी था मट्टी में मिल गया, मगर अब पता चला ये अली वाले किस लिए नहीं घबराते, क्योंकि मट्टी में मिल जाते हैं, मगर इधर मट्टी में मिले जिसे हर ठोकर में याद करते हैं वो तुराब के अंदर अबू तुराब बन के आ जाता है। सलावत भेज दे, दरूद भेज दे मोहम्मद वाले में। मौत, मौत सरकार, एक चीज मैं और आपको बताना बयान करना चाहता हूं, हमारे यहां मौत को इंतकाल कहते हैं। इंतकाल अक्सर आप लोगों का तो काम है कि भाई इंतकाल में जा रहे हैं, इंतकाल मुंतकिल, मुंतकिल ट्रांसफर, यानी यहां से वहां, इस जग से उस जग तक, इस दुनिया से वहां गैब की दुनिया में हमारा ट्रांसफर होता है। मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो तबलीगी मैं समझता हूं कि पूरा अशरे पढ़ूं तो इतनी डेप्थ वाली बात नहीं पहुंचा सकता। अक्सर अधिकारियों का ट्रांसफर होता है ना, यहां से बनारस जा रहे हैं तो हर अधिकारी सोचता है अच्छे पर्दे हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी फैसिलिटी हो, यानी ट्रांसफर से पहले कोशिश करते हैं जहां जाएं वो मकान सजा हुआ हो। क्या बात है? मैं तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो चाह रहा हूं, यानी जहां जाए वो मकान खूबसूरत हो, उसमें बजाय बदबू के खुशबू आती हो, वहां पे हरीर के पर्दे टंगे हुए हो, बेहतरीन फैसिलिटी हो, इशारा करें तो खाना आ जाए, इशारा करें तो पानी आ जाए, सोचे वो चीज हाजिर हो जाए, तो इसका मतलब ये है ये दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि ट्रांसफर से पहले ये कह दिया कि अगर ट्रांसफर में वहां बेहतरीन फैसिलिटी चाहते हो तो यहां पर रात दिन जाग के अपने घर को सजा लो। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मर के भी कुछ लोग नहीं मरते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिंदा रहकर भी मुर्दा हैं। और बस 10 मिनट और जहमत दूंगा ताकि मैं कंक्लूजन पेश कर दूं। अभी तक सरकार खतीबों से, आलिमों से, विद्वानों से ये सुना, ये करो तो जन्नत, ये कर लो जन्नत में जाओगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या करोगे जो जहन्नुम में जाओगे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं,
अभी तक यही सुनते हैं ना, ये कर लीजिए, ये नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, सखावत कर दीजिए, ये सारी चीजें जन्नत में ले जाए। क्या करोगे, क्या करने से जहन्नुम में जाओगे? आओ कुरान मजीद की आयतों से पूछते हैं। ये सरकार सूरत अल मुदस्सिर, और सूरत मुदस्सिर में कुरान मजीद में उनसे पूछा गया जो जहन्नुम के सब में निचले हिस्से सखर में जाएंगे, मा सलाकुकुम फी सखर, वो तुम्हें कौन सी चीज है जो ये जहन्नुम में लेके गई? अब आपके एक जुमला कहना चाहता हूं। देखिए ये अदब का, हमारे शोरा कराम का ही तो काम है, खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज, अदबी अल्फाज को एक माला में पिरोते हैं, फिर आपके सामने पेश करते हैं। जो शौकत अल्फाज, जो बयान अल्फाज, जितना जितना अच्छा होता है वो उतना ही मकबूल। मगर खालिक ने भी ऐसा लगता है कि खाली नसीहतों की या ऑर्डर की नहीं, बल्कि कुरान अदब की भी किताब है। देखिए हम जब किसी को मजलिस में लेके आते हैं ना, बुजुर्ग है तो सहारा देकर, बच्चे हैं तो उठाकर, मौलाना साहब है तो आइए सरकार, हुजूर तशरीफ लाइए, ये सारे अदब के तरीके ना लाना लेना। मगर खुदा ना खास्ता आपके महल्ले में कोई जेब कतरा हो और ये पुलिस इंस्पेक्टर साहब मोहम्मद अब्बास साहब के यहां पे ड्यूटी हो, जब उठा के ले जाएंगे उसे महल्ले से तो ऐसे नहीं आइए तशरीफ लाइए, क्या पिएंगे सरकार, क्या खिदमत की जाए, बल्कि कमर में पकड़ कर धक्के मार कर जलील करते हुए तौहीन के साथ जब लेके जाएंगे तो अरबी जबान का अदीब वहां लफ्ज सलक इस्तेमाल करेगा, सीन लाम का। अब वही बिल्कुल कुरान मजीद ने आयत पेश की, वही वर्ड मा सलाकुकुम फी सकर, तुम्हें कौन सी चीज है जो घसीटती हुई जहन्नुम में लेके गई, यानी प्यार से नहीं घसीटती हुई। उन्होंने कहा लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नुम में इसलिए गए। देखो कुछ लोग कह रहे हैं ना, मैं होंठ देख रहा हूं, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मैं भी यही समझता था कि आयत यह है। कई जबाने मैंने देखे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मगर नहीं, इसमें क्या लम नको मिनल मुसल्लीन, हम मुसल्लीन में से नहीं थे। मैं तवज्जो, मुसल्लीन मफूल की जमा, हम मुसल्लीन बना कैसे, एक है लफ्ज सलात, एक है सलावात। सलात अल्लाह की बनाई हुई, मोहम्मद की बताई हुई, हुसैन की बचाई हुई। अल्लाह की बनाई हुई, मोहम्मद की बताई हुई, हुसैन की बचाई हुई, तरतीब के मुताबिक जब अब्द माबूद की बारगाह में अपनी आजजी और उसके मुख्तार होने का ऐलान कर, उसे सलात कहते हैं। और इस सलात की जमा है, इसका प्लूरल है सलावात। जैसे बरकत की जमा बरकात, जुल्मत की जमा जुल्मात, हरकत की जमा हरकात, ऐसे सलात की जमा सलावात। सलात जब अल्लाह की बनाई हुई, मोहम्मद की बताई हुई और हुसैन की बचाई हुई तरतीब के मुताबिक बंदा अल्लाह की इबादत करे, वो है सलात। और जब आम बंदे अल्लाह के खास बंदों को एजाजी सलूट करें, उसे कहते हैं सलावात। अब जो यह है कि तुम क्यों जहन्नुम में गए, का इसलिए कि लम नको मिनल मुसल्लीन, एक तो हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरे हम सलवात नहीं पढ़ते थे। पता चला बेनमाजी ही जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सलवात से इनकार करे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मुझे कोई पढ़ने में कबाहत नहीं है, कोई वजाहत में कंजूसी नहीं है। मैं जब हज करने गया तो मैंने रसूल के रोजे की जाली को चूमना चाहा,
वो तो चूमने नहीं दिया, इशारे से जब सलाम करके सलवार भेजी तो खड़े हुए सुरते ने कहा, जब ये जिंदा नहीं है तो सलाम क्यों कर रहे हो। मुझे गुस्सा तो आया, मगर जब कुरान की आयत पढ़ी कि जो सलवात का इनकार करे वो जहन्नुमी है, पता चला ये बेवकूफ इनकार नहीं कर रहा, अपने जहन्नुमी होने का ऐलान कर रहा है। जला कल्ला बेहतरीन अंदाज से आपने मजलिस सुनी है और आपको देख के माशाल्लाह बड़े यकीन के साथ मिंबर के औज पर मैं कह सकता हूं कि आज आप मजलिस सुनने के लिए आए हैं। सारे ताजा तरीन, बस जुमला सुनिए, लम नको मिनल मुसलीन, वो लम नको नुतमुल मिस्कीन, क्या आयत है। हम एक तो नमाज नहीं पढ़ते थे और एक हम सलवात नहीं भेजते थे, इसलिए जहन्नुम में गए। लम नको नुतमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ऐसे छिचोरे किस्म के लोग हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, हर शहर में, हर सूबे में मिल जाते हैं। उनके घर जाइए तो एल्बम लेके बैठ जाते हैं। ये देखिए, जो हमारे बड़े बेटे की शादी हुई है ना, ये मंत्री जी बैठे हैं, ये DIG, ये DM है, अब तो ट्रांसफर हो गया इनका बाराबंकी, ये SDM है, ये जो और ये देखिए सबसे अमीर आदमी है यहाँ के, पूरे आपके शहर के, हमारे जिले के, इनके 10 भट्टे और 5 पेट्रोल पंप और 4 कॉलेज। मैंने खुद खोल के देखा तो किसी एक भी गरीब आदमी की तस्वीर नहीं दिखा रहे। और याद रखो, दस्तरखान पे इन अमीर लोगों को सजाने में तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। मुझे यह मत दिखाओ कि आपके बेटे के वलीमे में कितने अमीर आए, मुझे यह दिखाओ कि कितने मिस्कीन थे। और खास करके इस फर्श-ए-अज़ा पर बैठकर मजलिस सुनने वाला या इस मिंबर पर मजलिस पढ़ने वाला इसलिए भी मिस्कीनों से गाफिल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका जिक्र करने या सुनने आते हैं उसके दरवाजे पर जमीन वाले नहीं, आसमान वाले मिस्कीन। काम तुम्हें जहन्नुम में शैले के गई कि एक तो हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरे सलवात नहीं भेजते थे, तीसरे हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। हम तो उस बनी हाशिम के सखी इब्ने सखी के मानने वाले हैं जिनके तंदूर की आग कभी ठंडी नहीं होती थी, जो बिना गरीबों को खाना खिलाने के बगैर बिस्तरे आराम पर नहीं जाते थे, जिनके हाथों की लकीरें नहीं थी, सखावत के समंदर में रहे थे। आहा, दो लम्हे मुझे और दो, अगर मैं सीने के संदूक में ये बात छुपा के ले गया ना। सखावत हर एक के मुकद्दर में नहीं। हमारा इमाम, जिस इमाम को मानते हैं, हालत रुकू में अंगूठी देता है तो मुल्क के सुलेमान लुटा देता है। तो जब हम
सखी इमाम को मानते हैं तो हमारी कौम को भी कंजूस नहीं होना चाहिए। जब शादी होती है ना, जहन में रखिएगा, बहुत बड़े मसले को दो लम्हे के लिए, तो शादी में ऐसे बहुत बड़ा हॉल होता है या टेंट लगा दिया जाता है, जो अरेंजमेंट करने वाले होते हैं ना शादी के, वो उधर कोने में, जैसे वो भाई बैठे हुए हैं उधर, और इधर खाने की डिशें लगी होती हैं, ये जरूर खाइएगा, कबाब जरूर चखिएगा, बिरयानी से जरूर लुत्फानंदोज होइएगा, वो आते हैं, लिफाफा देते हैं, सलाम करते हैं, चले जाते हैं। और कुछ लोग मशहूर होते हैं कोशिश करने के बावजूद। अब आपने न जाने कितनी मेहनत मशक्कत हुई तो दुनिया जानती है इन्हें, नौहा खान। कोई बिजनेस वाला होता है रात दिन मेहनत, रात दिन मशक्कत, कोई नेता होता है रात दिन यहां स्ट्रगल, वहां धरना, वहां प्रदर्शन, तब वो पॉलिटिक्स में आके आगे बढ़ता है। मेहनत लगती है शोहरत हासिल करने के लिए, मगर कंजूस आदमी ऐसा होता है कि जो बिना मेहनत के ही इलाके में मशहूर हो जाता है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं। और ऐसा कंजूस की पहचान यह है कि वो अपने दस्तरखान की कभी जियारत नहीं कराता और दूसरे के दस्तरखान को कभी महरूम नहीं छोड़ता। तो वो जब एक दो उनके पास ऐसे साहब के पास एक दो सफारी सूट होते हैं जो हर शादी में पहने हुए नजर आते हैं, अच्छा लोग उनसे मजाक करते हैं। कुछ लोग उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को लिफाफा देते हैं, चले जाते हैं खाना खाकर। कुछ लोग सिर्फ सलामी करने आते हैं, सरकार आपके दादा ऐसे सखी थे, आपके वालिद ऐसे, आपके चचा ऐसे, आज गरीबी दूर कर देंगे, बेटे की शादी का इंतजार था, यानी इनका काम ही सलाम करके पैसा वसूल करना होता है। खव्वाल टाइप लोग हर जमाने में ऐसे लोग हुए हैं। तो वो जो कंजूस आदमी होता है उन्हें सारे भेजते हैं, अरे जाओ इधर से नहीं, वो जो बैठे हैं ना कोने में जो खड़ा कर रहे हैं उनसे लो। वो नाराज होकर कहते हैं, भाई मुझसे पैसा किस लिए मांग रहे हो, मैं क्यों दूल्हा का नेक दूं, क्योंकि मैं तो खुद मेहमान आया हुआ हूं, अगर नेक लेना है तो उनसे लो जो दूल्हा के फलाजना बुजुर्ग हैं, जिनके थैले में सखावत के लिफाफे हैं। अब मुझे नहीं पता कि अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता ईमान लाए या न लाए, मगर सर पे कुरान रख के दुनिया के मुसलमान बताएं कि जब नबी का वलीमा हो रहा था तो वो सखावत का थैला किसके पास था। मिलकर सलावात भेज देना, दरूद भेज दे मोहम्मद। लमनको मिनल मुसल्लीन, लमनको नु तमिल मिस्कीन कुन्ना, क्या आयत है, बस दो तीन आयतें पढ़कर, इसलिए मैंने पूरी मजलिस में कोशिश की है कि हर फिक्रे का सहारा मैं आयतों से लूं। कुन्ना नकूजो मअल काइजीन, और हम जहन्नुम में इसलिए गए कि हम बिला वजह एतराज पे एतराज करने वालों के साथ एतराज करते थे। यानी कुछ लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया है कि एतराज करें। मैं तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं, मैं तवज्जो, कुछ लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है कि बस एतराज ही एतराज करेंगे। घर में गरीबी है, कलर नहीं हुआ महल्ले में, तो कुछ इतराज चौराहे पे खड़े हुए, हमें लगता है लुटिया डूब गई, सब कुछ खत्म हो गया, कलर तक के पैसे नहीं है घर में। दो साल में कुछ बिजनेस अप हुआ, दो फॉर्चूनर लाके खड़ी कर दी, कहां से पैसा मार दिया, कहां से दौलत बरस रही है, ना गरीबी में खुश ना अमीरी में खुश। गरीब है तब एतराज, अमीर है तब एतराज,
पैदल चल रहे हैं तब कह रहे हैं मैं पैदल हो गए, फुटपाथिया हो गए, लैंड क्रूजर लेके आ रहे हैं। ओहो कैसी अकड़ है फिरौन जैसी। अच्छा बड़ा प्यारा किसी ने जुमला सुनाया कि जिसके पास कुछ करने को नहीं होता, जो कुछ नहीं करता वो हसद करता है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं जो कुछ नहीं करता वो हसद करता है। क्या बात है, वाह वाह। और एक और मैंने हदीस, ये तो सरकार अपनी आंखों से पढ़ी, हसद एक ऐसी बीमारी है कि उसे भी नहीं पता कि ये क्यों लग रही है। उससे पूछो कि तुम फलां से हसद दुश्मनी क्यों करते हो तो भी बता नहीं सकता। और हसद का सबसे बड़ा जिससे हसद किया जाता है उसे कहते हैं महसूद, और जो हसद करता है हसद। हसद का सबसे बड़ी सजा यह है कि वो सारी रात जागता है और महसूद चादर ओढ़ के सुकून की नींद सारी रात सोता है। बहुत गहना जहां लेके जाना है। सारी रात जागता है और फिर जो मैं बता रहा हूं सारी दुनिया शैतान पर लानत भेजती है, मगर शैतान कहता है कि मैं उस पर लानत भेजता हूं जो हसद करता है, क्योंकि ये हक तो मेरा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, यानी हसद करने का हक तो मेरा है। कुन्ना नकूद माल खाजी, मैं बिला वजह इतराज पे इतराज करता हूं, इसलिए जहन्नुम में गया। एतराज पे एतराज, अब मैं क्या करूं क्या करूं। आप पूजा करें ये आपका धर्म, मैं नमाज पढ़ूं ये मेरा मजहब। संविधान ने सबको आजादी दी है, ना ये मुझ पे एतराज करें ना हम इन पे एतराज करें, इसलिए कि हमारे तो नबी ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने हिसाब से पूजा करो हम अपने हिसाब से इबादत करें। कोई झगड़ा ही नहीं है, ये तो झगड़ालू लोग झगड़ा पैदा करते हैं जिन्हें कुछ करने को नहीं होता। वो या तो हसद करते हैं या झगड़ा करते हैं। अब एतराज करने पे एतराज करते थे इसलिए जहन्नुम में गए। आप काले कपड़े पहन रहे हैं तो एतराज, शायरी कर रहे हैं तब एतराज, मकासिदा पढ़ रहे हैं तब एतराज, जश्न मना रहे हैं तब एतराज, मजलिस पढ़ रहे हैं तब एतराज, मजलिस सुन रहे हैं तब एतराज, जुलजना सजा रहे हैं तब एतराज, अलम उठा रहे हैं तब एतराज, मातम कर रहे हैं तब एतराज, रो रहे हैं तब एतराज, खुश हो रहे हैं तब एतराज, मुहर्रम में रो रहे हैं तब एतराज, नौ रबीउल अव्वल को हंस रहे हैं तब एतराज। न रोने देते हो न हंसने देते हो, एतराज पे एतराज। और जिधर नौ इधर जिलहिज का महीना गुजरा और गुजरता है तो एतराज करने वालों के पूरे वेबसाइट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चालू हो जाते हैं, भरे होते हैं। मातम करना बिदात, रोना बिदात। मातम हम करते हैं सीने में दर्द इनके होता है, आंख में आंसू हमारे निकलते हैं, रोशनी इनकी जाती है। बिला वजह एतराज पे एतराज करते हैं। मुझसे भी तुम कहते हो ना, आप भी मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मैं कहता हूं मैं जवाब दे के क्या करूंगा, जब 14 सदियों पहले कुरान ने जवाब दिया। अब पता चला कोई बिला वजह आजादारी के खिलाफ एतराज करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सूरह मुदस्सिर की आयत पढ़ना, कुन्ना नकूजो माल खाजीन, हम जहन्नुम में इसलिए गए क्योंकि एतराज पे एतराज करते थे। अब कोई अगर टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठकर अदादारी के खिलाफ एतराज करे तो मुस्कुरा के कहना एतराज नहीं कर रहा, अपने जहन्नुमी होने का ऐलान कर रहा है। कुन्ना हैदर, कुन्ना
نخرج مال خزین، ہم اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے، وہ نکذبو بے یوم الدین، آخری آیت سرکار، وہ نکذبو بے یوم الدین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ اتنی خاموشی سے، آپ سمجھیں گے کہ میں اتنی خاموشی سے پڑھ کے ایسی گزروں گا، جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے، صلوات نہیں بھیجتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے، وہ نکذبو بے یوم الدین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ میں آخری آدمی تھا، دین کے دن کا، دین کے دن کا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ دین کا دن ہے کیا جس کا یہ انکار کرتے تھے۔ میں نے قرآن مجید کی آیتوں کی لسٹ بنانی شروع کی، جب اقیم الصلاۃ آیا تو نہیں کہا کہ آج دین کا دن ہے، جب واۃ الزکات کی آیت آئی نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب معراج کی رات کی آیت آئی نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب ہجرت کی رات کی آیت آئی نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب ولایت کی آیت آئی نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب سورہ رحمان نازل ہوا نہیں کہا کہ آج کا دن دین کا دن ہے، جب سورہ والضحیٰ نازل ہوا نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب سورہ یاسین کی تنزیل ہوئی نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب دنگلیوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، جب مرحب و اندر کو مارا تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے، وہ تو تپتے ہوئے صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے بلا کر، جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا تو قلب محمد کا قرآن کی آیت اليوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن دین کا دن ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنمی ہو۔ نکذبو نکذبو جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، نکذبو بے یوم الدین، ہم نے دین کا انکار کیا تو ہم جہنمی ہو گئے۔ لسٹ بنا رہا ہوں، آخری فیصلہ، حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا، یقین ہو گیا، یعنی یہاں پر سارے کے سارے قرآن کے مفسروں نے یقین کے معنی موت لکھے۔ بہت بڑا، ایسا نہیں کہ سن کے چلے جاؤ گے، آپ کے سینے کے دیوار پر یہ لکھنے نہیں، کندہ کرنے جا رہا ہوں یہ فقرے کو۔ ہم نے یہ ساری چیزیں بخل کیا، کنجوسی کی، صلوات نہیں بھیجی، نماز نہیں پڑھی، حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس کا مطلب ہے جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ یقین آیا ہے اس سے مراد موت ہے، اور جہاں شک ہے اس کے مراد زندگی ہے۔ کیا کوئی مائیکل آل یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کل صبح تک زندہ رہوں گا؟ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ زندگی پہ کسی کو یقین نہیں، شک ہے۔ چاہے کوئی جیسس کے مانے نہ مانے، چاہے حضرت داؤد کو تسلیم کرے نہ کرے، چاہے موسیٰ کو مانے نہ مانے، چاہے نبی کو مانے نہ مانے، چاہے رام چندر کو مانے نہ مانے، مگر سب مانتے ہیں تو ایک چیز کو، اور وہ ہے موت، مرتو۔ کہتے ہیں وہ اجر ہے، یقینی طور پر وہ آئے گی، وہ ٹالنے والی نہیں ہے، انیویٹیبل ہے، لا ریب ہے، وہ آنی ہے۔ زندگی شک ہے، موت یقین ہے۔ آخری آدمی تک پوری مجلس ایک طرف یہ فقرہ دے رہا ہوں، زندگی شک ہے، موت یقین ہے، موت آخری آدمی تک، موت یقین ہے،
जिंदगी शक है, चाहे आपके धर्म के हों या मेरे मजहब के, चाहे कोई माने ना माने, मौत को सब मानते हैं कि यकीन है आएगी। तो जब यकीन है मरना ही है तो ऐसे पे मरो जो तुम्हें मरने न दे। ओ कितना बड़ा जुमला, कितनी खामोशी से सुना है ना। मैं फिर आदमी फिर जुमला कह रहा हूं, फिर जुमला कह रहा हूं, मौत तब यकीन है कि आएगी। ये जुमला मैं पहुंचा नहीं पाया वरना इतनी खामोशी थोड़ी रहती है। फिर जुमले को बदल रहा हूं क्योंकि जो आप जुमला चाह रहे हैं, मौत जब यकीन है कि आएगी, जिंदगी शक है, तो फिर ऐसे पे मरो, ऐसे पे मरो जो मरने के बाद भी काम आए, जो कब्र में भी मुश्किल कुशा बन जाए, जो तुम्हें हलाक ना होने दे। कंक्लूजन मेरी तकरीर का सरकार, जो तुम्हें हलाक ना होने दे, मरने के बाद भी मरने ना दे, मरने के बाद भी मदद करे। या अल्लाह हलाक कौन नहीं होने देता। अली ने कहा ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, किसने मिंबर पर बैठकर तख्त पे खड़े हो होकर एक बार नहीं 70 बार कहा अली न होते। अली न होते तो मैं हलाक हो जाता, एक बार भी नहीं कहा कि अली न होते तो मैं शहीद हो जाता। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, कहीं दिखा दो तो ईमान बदल दूं कि कहीं एक बार कहा हो, एक बार कहा हो कि अली ना होते तो मैं शहीद हो जाता। कहा नहीं, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। कह के अच्छी बात कहे हैं अपने मानने वालों को कयामत तक कि याद रखो शहीद होना है तो प्लेन से क्रैश होकर मरने से शहीद नहीं हो गए, कश्ती में डूबने से शहीद नहीं हो गए, एक्सीडेंट में मरने से शहीद नहीं होंगे, ब्लास्ट में फटने से शहीद नहीं होंगे। शहीद होना है तो दामने अली को थामो। जहां अली है वहां शहादत है, जहां अली नहीं है वहां हलाकत है। इसलिए जिसे यकीन था, जिसे भरोसा था, जिसे एतमाद था, वो अली के अली बेटे को उनके कदमों पे जान देने के लिए अपने घर से अली के बेटे के दर पे आ गया। और दर पर जब आया तो दर पर आने वालों को भी मोहलत देना चाहिए। मैं चराग को गुल किए देता हूं, जो चाहे चला जाए। और ये मैं समझना कि जो मुझे छोड़ के चला जाएगा उसे जन्नत नहीं मिलेगी। हम नौजवान हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरी मां मलका बहिष्ट है, मैं वादा करता हूं जो अपने घर से मेरे दर पे आ गया जन्नत उसका नसीब है, जन्नत उसका मुकद्दर है। जिंदाबाद है वो लोग, सलाम के लायक हैं वो बच्चे वो औलाद जो अपने बुजुर्गों के गुजरने के बाद उनको याद करती है। हमारे भाई अब्बास बंबई से आकर मुझे रात ही इल्म हुआ कि हर साल मजलिस को बर्पा करते हैं, तमाम करते हैं, आप लोगों का इंतजाम करते हैं, खुलूस दिल से इस्तकबाल करते हैं आपका। हम इतने दिन गुजरने के बाद भी अपने मरहूम को किसी ना किसी बहाने से याद करते हैं, इधर इंतकाल हुआ उधर चेहलुम की तारीख तय करने लगते हैं। ये मजलिसें उस हुसैन के खानवादे के सदके में होती हैं जिसका वक्त पे चेहलुम ही ना हो सका। जज़ाकअल्लाह, मैंने तो पढ़ दिए भाई मसाया।
یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے اگر چاہو تو۔ آج جی چاہتا ہے بھائی، ادھیا جی امام حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام عباس۔ آج میں آپ کو ان کی کہانی سناتا ہوں، بس 10 منٹ۔ یہ کیوں روتے ہیں، کیوں ہے دیوانے، اور ایسی پوترتا، ایسا پیار کا بندھن بھائیوں میں کائنات میں کہیں نہیں ملا جیسا حسین کے بھائی عباس کا۔ نماز شب جو آدھی رات میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے حدیثیں ہیں کہ جو دعا مانگتے ہیں وہ اوپر والا ضرور سنتا ہے، اور پھر علی دعا مانگے، علی کو پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، نماز شب پڑھ کر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پالنے والے مجھے عباس جیسا بیٹا دے دے، جو میری بیٹی اور بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرے، اور اپنے نانا رسول محمد سے امام حسین بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ اپنے نماز شب میں دعا کرتے ہیں پالنے والے نانا کے بغیر زندگی، اب رہا نہیں کچھ، زندگی ادھوری ہے، مجھے ایسا لال دے دے کہ جب میں کبھی اسے دیکھوں تو مجھے میرے نانا یاد آ جائے، مجھے نانا نانا یاد آ جائے۔ عزادارو، اللہ نے علی کی نماز شب کے دعاؤں کے اثر سے علی کے گھر میں عباس جیسا بیٹا دیا، اور حسین کے گھر میں علی اکبر جیسا لال دیا۔ اس زمانے میں علی گزر گئے، اپنے بھائی کے ساتھ حسین لمحہ لمحہ سائے کی طرح رہتے تھے، مگر بھائی نے، عباس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بڑے بھائی کا بھائی نہیں کہا۔ جس طرح آپ لوگ تعظیم میں جب زیادہ کرتے ہو تو میں تو سیوک ہوں، میں تو خادم ہوں، عباس نے ساری زندگی اپنے آپ کو حسین کا غلام کہا، اور حسین کو اپنے بڑے بھائی کو آقا کہا۔ جب بھی کہتے تھے، دروازے پہ آتے تھے، کہنا غلام حاضر ہوا ہے، آقا ہیں گھر پر، تو آقا اور غلام کا رشتہ بنا کے رکھا عباس نے۔ لیکن کربلا میں جب یزید کی طرف سے نہر تھی جو فرات جس کا نام تھا، پہرے لگ گئے، تو اس فرات پر پہرے لگنے کی وجہ سے 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے کربلا کے تپتے ہوئے بن میں پیاسے رہے۔ اس میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی تھا، 4 سال کی بچی تھی، اور کم و بیش تواریخ پڑھتے جائیے تو اس میں لکھا 63 بچے چھوٹے چھوٹے امام حسین کی حضرت علی کے خانوادے کے تھے۔ کتنے؟ 63 بچے۔ اب ذہن میں رکھیے گا، 63 بچے۔ جب انہوں محمد کا سر تن سے جدا ہو گیا اور قاسم کی لاش پامال ہو گئی، تو ایک بار کھڑے ہوئے خیمے میں امام حسین سے کچھ جناب عباس اور ان کے بیٹے علی اکبر بات کر رہے تھے، اتنے میں جناب سکینہ 63 بچوں کے ساتھ اللہ تش اللہ تش اللہ تش کہتی ہوئی، یعنی پیاس پیاس کرتی ہوئی آئی۔ عزادارو، جیسے ہی تم نے مصائب تو میں نے پڑھ دیے، کتنے بچے تھے؟ 63 بچے۔ دیکھو مقتل کی کتابوں میں، پوچھو علماء سے، الگ الگ روایتوں کے مطابق 63 بچے۔ ہم سے پوچھتے کیوں روتے ہو، جو کربلا میں عاشور کے دن 63 بچے تھے،
جب یہ شام کے دربار میں 40 دن کا سفر کر کے پہنچے ہیں تو صرف 2 یا 3 بچے باقی رہ گئے تھے۔ معلوم ہے یہ 60 بچے کہاں گئے؟ کہ جب ناکوں پہ بٹھا کر گھوڑوں سے دوڑایا جاتا تھا تو بیوہ ماں کے آغوش سے یتیم بچہ اونٹ سے گر جاتا تھا، زمین پہ گر کے تڑپتا تھا۔ ماں کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ بچے کو اٹھا سکے، اس لیے آپ بسمت دجلہ جب جاؤ گے تو چھوٹی بڑی قبریں ملیں گی، ان چھوٹی بڑی قبروں کو پوچھو گے کہ یہ کس کی قبریں ہیں؟ کہ یہ سید زادوں کی قبریں ہیں جو کربلا سے لے کر شام تک بیواؤں کی آغوش سے گرتے رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ زادارو جزاک اللہ۔ بس بہت اختصار سے ایک کتاب کا حوالہ دوں گا سرکار عالم دین کی موجودگی میں، جو میں نے اپنی آنکھ سے پڑھی روایت، ایک کتاب کا حوالہ جناب عباس کے مصائب سے بس وہیں ختم کروں گا، دیکھنا کون آنکھ ہوگی جس کے کلیجہ ٹکڑے کٹ کٹ کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ ذرا اطمینان اور حوصلے کے ساتھ، اتنے میں جب التش کی آواز آئی، آواز دی جاؤ عباس بچوں کے لیے سکینہ کے لیے پانی لے آؤ۔ بی بی سکینہ نے اپنے چچا عباس کے علم سے مشکیزہ باندھا، گھوڑے پر عباس ہاتھ میں نیزہ لے کر آگے بڑھے، ادھر قیام حسینی میں جناب علی اکبر کا اپنے 18 سال کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ٹیلہ زینبیہ پر حسین پہنچے۔ ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچنے کے بعد ایک بار آواز دی، علی اکبر بتاتے رہنا میرا بھائی عباس کہاں ہے، کیونکہ عباس کے جانے سے میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، میرا 32 سال کا میرا بھائی گیا ہے۔ عزادارو اتنے میں جناب حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ در خیمہ پر جناب فضہ، جس نے حبش کی سلطنت کو ٹھوکر مار کر جناب فاطمہ زہرہ کے آستانے کی خاک کو اپنا مقدر سمجھا تھا، عزادارو جناب فضہ در خیمہ پہ تھی، در خیمہ کے اندر مسلح پر جناب زینب تھی، مسلح پر جناب زینب کے برابر میں یہ 36 یا 63 چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کوزے لیے ہوئے تھے۔ اس طرح سے سلسلہ بنا ہوا تھا، علامہ رشید ترابی نے کبھی اس سلسلے کو پیش کیا تھا۔ عزاداروں کے جن بچوں کی نگاہ جناب حضرت زینب پہ تھی، جناب زینب کی نگاہ جناب فضہ پہ تھی، جناب فضہ کی نگاہ جناب علی اکبر پہ تھی، امام حسین پہ تھی، امام حسین کی نگاہ علی اکبر پہ تھی، علی اکبر کی نگاہ جناب عباس پہ تھی۔ اتنے میں آواز دی جناب علی اکبر نے، بابا خدا خیر کرے، میرے چچا عباس نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا۔ عزادارو نہر فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد جناب عباس نے چلو میں پانی بھرا، چلو میں پانی بھرنے کے بعد ایک مرتبہ فرات کے چہرے پر وہ پانی پھینک دیا، جناب سکینہ کا مشکیزہ اپنے شانوں سے ٹانگا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد ہاتھ میں علم لیا، ہاتھ میں علم لے کر جب آگے چلے ہیں تو جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں، بابا خدا خیر کرے، میرا چچا پانی بھر کے خیمے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں اپنے بابا کی کمر کو سہارا دے کر علی اکبر نے کہا، بابا اللہ رحم کرے، میرے چچا عباس کا آلہ بائیں جانب سے دائیں جانب جھکنے لگا۔ دائیں جانب جب آگے بڑھا تو کہا، بابا خدا خیر کرے، کسی ظالم نے میرے چچا کے بازو پہ ایسا وار کیا کہ دایاں بازو بھی قلم ہوا، قلم کے ساتھ ساتھ علم ساتھ گر گیا۔ ادھر علم گرا، ادھر امام حسین ٹیلہ زینبیہ پہ گرے، ادھر جناب زینب مسلح پہ گری، ادھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے کوزے گرے۔ ہائے عباس، ہم پانی نہ مانگیں گے، آپ ایسے ہی آ جائیے۔ جزاک اللہ۔ دو لمحے، بس دو لمحے عزادارو، دو لمحے جو مصائب پڑھنے کے لیے میں نے اتنی دیر زحمت دی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہی کربلا ہے، مختصر کی کتاب ہے اور 11 علماء نے ایران کے لکھی ہے۔
ये लखनऊ में भी जरूर मौजूद होगी, मैंने लखनऊ ही से मंगाई थी। उसमें एक वाकया लिखा है, वो पढ़ दूं मैं और मसायब तमाम आखिरी आदमी तक, जो पढ़ने के लिए मैंने इतनी देर ज़हमत दी है। आज से तकरीबन 200 साल पहले हरम काबा में, हरम इमाम हुसैन में, हरम जनाब अब्बास में, बैनल हरमैन जिसे कहते हैं, वहां पर एक आलिम दीन थे, उनका नाम था सैयद हसन किजवैनी। और उस वक्त एक रौदा खानी जैसे हम मजलिस पढ़ते हैं खिताबत, एक खतीब थे जिनका नाम मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली हर शब जुमा में नमाज मगरबैन के बाद मजलिस को खिताब करते थे। एक रोज ऐसे मसायब पढ़े जनाब अब्बास के हरम में कि सारे लोग बेहोश हो गए, गश हो गया, हद ये हो गया कि आयतुल्ला सैयद हसन किजवैनी को भी गश आ गया। जब गश से उठे तो एक मरतबा मोहम्मद अली से एक जुमला कहा, इतने सख्त मसायब न पढ़ा करो, किसी का कलेजा फट जाएगा। आयतुल्ला की बात सुन के मोहम्मद अली ने, उस खतीब ने सर को झुका लिया, मगर जब ये घर गए और नमाज शब पढ़ के आंख लगी थी तो इन्होंने ख्वाब में किसी को देखा जिसके चेहरे पे सिया नकाब थी, नूर छन छन के निकल रहा था। अब जो गौर से देखा जिस्म पे बाजू नहीं थे, जब बाजू नहीं देखे समझ गए आयतुल्ला के ख्वाब में आने वाला कौन है। इसने आकर ख्वाब में आने वाले ने जिसके चेहरे से नूर जारी था एक बात कही, ए किजवैनी, तू हमारे मसायब को हमारे खतीब से पूछता है, तुझे क्या पता कि हमारे ऊपर क्या बीत गई करबला में, आखा क्या हुआ, क्या तुझे पता है कि जब मैं वापस पलटा और नहर से और मेरे दोनों बाजू कलम हो गए तो मैंने अपने घोड़े अशल को इशारा किया, अब मैं खेमे में जाके क्या करूंगा, अब मुझे फिर फरात की तरफ जाके ले जा। एक मर्तबा मेरा घोड़ा अशल फरात की तरफ मुड़ा, अब जैसे ही फरात की तरफ मुड़ा चारों तरफ से कूफी और शामी तीर लिए हुए खड़े थे, कोई तीर फेंक रहा था, कोई तबर फेंक रहा था, अब बास पे कोई पत्थर फेंक रहा था। इतने में एक तीर मेरी दाई आंख में लगा, जैसे ही दाई आंख में लगा मैं चाहता था कि वो तीर किसी सूरत से निकाल दूं, मगर तीर निकालने के लिए जिस्म पे बाजू चाहिए, मेरे जिस्म पे बाजू नहीं थे। आदादारो एक जुमला सुनोगे, एक जुमला भाई, एक जुमला। मैं आठवीं क्लास में पढ़ता था भाई, आठवीं क्लास में साइकिल से जा रहा था, एक छोटा सा तिनका उड़ा और मेरी आंख में गिर गया, साइकिल समेत गिर गया, जख्मी हो गया। न जाने कैसे कितनी देर में वो आंखों का तिनका निकला। खुदा की कसम आज मैं तकरीबन 35 साल 40 साल के बाद इस वाकये को पढ़ रहा हूं, वो दर्द का एहसास मुझे अब भी है कि आंख इतनी नाजुक जगह है कि जरा सा तिनका भी हो जाए तो पूरी जान निकल जाती है, मगर मेरे आंख का तिनका तो इसलिए निकल गया ना कि मेरे जिस्म पे बाजू थे, मैंने कैसे कैसे वो तिनका निकाल दिया। मगर हाय उम्मुल बनीन का लाल, सकीना का चचा, 18 भाइयों का साथी अब्बास, अजादारो हुसैन का सिपे साला, किस तरह से वो आंखों का तीर निकाले, कितनी तकलीफ होगी जरा सोचना। वो चाहता था कि आंख का तीर निकले, मगर निकालने के लिए बाजू नहीं था, कोई सहारा नहीं था जो सहारा देता। आपने अपनी बाएं पैर से इशारा किया, आपके घोड़े का नाम अशल था, अशल समझ गया कि जनाबे अब्बास क्या चाहते हैं, अपनी गर्दन को सीधा किया, जनाबे अब्बास ने अपनी आंख के तीर को इस तरह
گردن سے مس لیا اپنا بایاں دایاں پیر اٹھا کر پیر سے دبا کر جیسے تیر نکالنا چاہتے تھے کسی ظالم نے ایسا گرج مارا کہ عباس زین سے زمین پہ گرے بجائے ہاتھوں کے ماتھے کے بل گرے آواز دی مولا حسین میرا آخری سلام بس دو لمحے آخری فقرے آخری فقرے خدا کرے خدا کرے کسی بھائی پہ یہ وقت نہ آئے جو جناب عباس پہ وقت آیا ہے میں منبر پہ پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم آج سے 25-26 سال پہلے میں نے انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں شورائے کرام ادیب بیٹھے ہیں ایک فقرہ کہا تھا اور اس مصائب کے یہ فقرہ جو پڑھنے جا رہا ہوں در و دیوار پہ کھڑے ہو کر لوگوں نے سر مارنا شروع کر دیے تھے انگلینڈ جیسی جگہ میں جملہ سناؤں میں نے کہا دنیا میں سارے ادیب سب بھائی کو قوت بازو کہتے ہیں کچھ سمجھ گئے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی قوت بازو ہوتا ہے سمجھ گئے نا میں جملہ کہہ رہا ہوں بھائی قوت بازو ہوتا ہے وہ بھی عباس جیسا بھائی حسین نے پہلی مرتبہ اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا آزادارو میں نے پڑھ دیا جملہ بس میں نے پڑھ دیا جملہ میں پھر پڑھ رہا ہوں اس جملے کو حسین نے اپنے قوت بازو کو بغیر بازوؤں کے دیکھا اور ایک مرتبہ قریب آنے کے بعد کہا عباس جلدی نہ کرنا حسین آ گیا آزادارو یہ کہنے کے بعد عباس کو دیکھا کہ دونوں بازو نہیں ہے آنکھ پہ تیر لگا ہوا ہے سر زخمی ہے پیروں پہ کھوڑے دوڑائے ہیں تو عباس نے کہا مولا معاف کر دینا زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہوا اس لیے کہ پیروں پہ اتنے کھوڑے دوڑائے ہیں کہ میرے پیروں کی ہڈیاں زخمی ہو گئی ہیں میری آنکھ میں تیر ہے میرے بازو کٹے ہوئے ہیں میں تعظیم کو کھڑا نہیں ہو پایا اتنے میں بتول کا سید بیٹے نے اپنے پیروں کو زانو کو تکیہ بنایا تکیہ بنانے کے بعد عباس کے جسم کو پکڑا پکڑنے کے بعد عباس کے چہرے کو اپنے زانو پہ رکھا حسین کے جملہ سننا حسین کے گرم گرم آنسو عباس کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے چہرے پہ ٹپکنے پر لگے کیا جملہ سن رہے ہو گرم گرم آنسو عباس کے ٹھنڈے چہرے پہ ٹپکنے لگے عباس کچھ کہنا چاہتے ہو کہ ہاں سکینہ تک میرا جنازہ نہ لے جانا اور سکینہ ملے تو پیار کر کے کہنا تیرا چچا پیاسا گیا ہے تیرے بغیر پانی پی کے نہیں گیا اور میرا جنازہ سکینہ تک نہ لے جانا یہ کہنے کے بعد عزادارو ایک جملہ کہا ہے مگر یہ سنتے ہی ایک مرتبہ سینے سے جناب عباس کو حسین نے لگا کے کہا دیار غیر میں چھوڑ کے جا رہے ہو اپنی ساری وصیتیں ہم سے نہیں پوچھا کہ ہماری بھی کوئی تمنا ہے عباس نے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا غلام نے ایسی کون سی تمنا ہے جو پوری نہیں کی کا 32 سال کا ساتھ ہے یہ کان ترس گئے کہ ایک بار مجھے بھائی کہہ دو ایک بار مجھے بھائی کہہ دو یہ سننے کے بعد عباس نے اپنے پیروں کو سمیٹ کے کہا اے بھیا حسین اب جو غور سے دیکھا تو جناب فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے ہوئے امام حسن کے ساتھ اے میرے لال عباس تو تنہا نہیں ہے تیرے ساتھ فاطمہ ہے اللہ لعنت اللہ ہے پالنے والے جتنے مومن اور مومنات اس مقدس مجلس میں جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں کو باب استجابت تک پہنچا دے جو علیل ہیں بس صدقہ بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ عطا فرما جو مخروض ہیں بی بی ختیجۃ الکبریٰ کی اس دولت کا واسطہ جو اسلام پہ صرف ہو گئی ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما دے جو اولاد کے متمنی ہیں
उन्हें औलाद हक अता फरमा। पालने वाले खुसूसी दुआ कर रहा हूँ जो दुनिया से रिलत फरमा चुके हैं और जिन बुजुर्ग हमारे मरहूम के इसाले सबाब की ये मजलिस मुकद्दस मुनक्किद हुई है, उन्हें जवारे पंजतन में जंगा इनायत फरमा। बानियान मजलिस, हाजरीन मजलिस, जाकरीन मजलिस की तौफीकात में इजाफा फरमा। ये मैं हर दुआ करता हूँ अपने तमाम मोमिनीन के लिए, अपने हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों के लिए। ये मेरी ख़ास दुआ है दिल के नेहा खाने से ज़बान तक हमेशा दुआ निकलती है कि ज़िंदगी के हम लोगों को आखिरी सांस तक अपना मोहताज बनाना, किसी मोहताज का मोहताज मत बनाना। हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरतुत तौहीद पढ़कर मरहूम अनवारुल हसन वलदाख आशिक हुसैन और तमाम मोमिन व मरहूम अली बांदी, मुश्ताक हसन और जितने नाम लिखे हैं उनके चश्मा नहीं है, सबके मोमिनीन को इसाले सवाब फरमा।